गाइस ये देख लीजिए आप, ये वही मंदिर है। अब मेरे मुंह से देख सकते हो कि तो वहाँ पे निकल गई है, तो कोई नहीं, यहाँ ठंडी थोड़ी ज्यादा है। यहाँ हेलीकॉप्टर का चार्ज आने जाने का 1500 रुपये है। काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जगह पर, और काफ़ी खुशी मिलती है कि इतना सर्वाइव करने के बाद में और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। वो पहाड़ों से गिर रहा है पानी, ये देखिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड गाइस। और आज अजमेर टू केदारनाथ के हमारे सफ़र को लगभग 15 दिन हो चुके हैं और आज हम खड़े हैं में, और का माहौल कुछ ऐसा है आप देख सकते हो। वैसे मैंने कल रात मतलब लास्ट ब्लॉग में बता दिया था, यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं और आपको यहाँ पर कुछ ये पालकियाँ वगैरह भी मिल जाएगी जिनका रेंट अभी पूछते हैं। और सर्दी काफ़ी है देख। हेलो भैया जी, सर्दी वर्दी कैसी है? फुल चे। हेलो बढ़िया है। तो यहाँ से गाइस अभी पता करते हैं कि रेंट वेंट क्या है। हेलो भैया जी, तो इसका चार्जेस क्या होगा वैसे? इसका चार्ज क्या है? वेट के हिसाब से। अच्छा, वेट के हिसाब से। तो मेरे जैसे पतले दुबले का? तो वन साइड जाना होगा 4-5 हज़ार। अच्छा, और वापस आने का होगा? 10 हज़ार। तो गाइस चार्जेस तो 10 हज़ार के लगभग का हो सकता है मेरे जैसे का वेट, 10 किलो का वेट सबका। और बाकी सारी कुछ चीज़ें आप देख लो, मतलब कि आप देख लो जितना जैसे वेट होगा उतना वैसा कुछ लगता जाएगा चार्जेस एक्स्ट्रा, मतलब कभी कभी 12 हज़ार 15 हज़ार इसका। और यहाँ पे ये आप नदी देख सकते हो, यहाँ पे नदी वगैरह है और वॉशरूम वगैरह की यहाँ पर सुविधा भी, वॉशरूम वगैरह की सुविधा इस जगह पर है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो आप दिखा देता हूँ, मैं इतने पास में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक्चुअली गाइस पास में क्या है ना, वहाँ थोड़ी बदबू वगैरह आती है, पब्लिक की तो बहुत ज़्यादा होती है। हम ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या छत्तीसगढ़ से? हाँ राजनांदगांव। अच्छा, सर्दी कैसी है यहाँ? ये तो बहुत ज़्यादा है, आपकी हालत ख़राब है, हम ऊपर चढ़ने वाले। अच्छा, ऊपर चढ़ने वाले, चलो जी बढ़िया बात है, हम भी चलने वाले। तो देख लो गाइस के अंकल जी भी ऊपर चढ़ने वाले हैं, तो अभी चलेंगे ऊपर। और यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार के घर वगैरह बने हुए हैं, तो आप देख लीजिए। बाकी अभी आगे चलते हैं और आगे मैं आपको यहाँ पे एक गर्म कुंड दिखाता हूँ। और ये जो पानी है ना भाई, ये ग्लेशियर का पानी है, और ग्लेशियर का पानी एकदम चिल्ड वाटर होता है, चिल्ड, जिसमें मैं कल स्नान करके आया था और जिसमें मैंने स्नान किया, मेरा मतलब कि क्या बताऊँ, अभी भी फ़िलहाल भी मेरा हाथ हैंकर वाले दर्द हो रहे हैं। और कल जैसे मैंने स्नान किया, मेरा सर दर्द, पाँव दर्द, हाथ दर्द और सारा शरीर दर्द होने लग गया था, इसका भयंकर ठंडा है। तो अभी मैं गर्म कुंड दिखाता हूँ आपको चल के। हेलो गुड नाइट, हेलो सर सर गुड मॉर्निंग। और अब मेरे मुंह से देख सकते हो कि तो वहाँ पे निकल रही है, तो कोई नहीं, यहाँ ठंडी थोड़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो मैंने रुमाल, जैकेट, ये कैप वगैरह और सब कुछ पहना हुआ है क्योंकि सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रकंड है यहाँ पर। गाइस यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि गर्म कुंड भी है, जो कि यहाँ से दिखाता हूँ। और ये रहा भाई गर्म कुंड, क्या वो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे स्नान उनान करने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पीछे देख लो नदी है, ठंडा पानी है, और यहाँ पे देख लो गर्म पानी है बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब चीज़ देख के, लेकिन हमें ऊपर स्नान करना होगा, यहाँ हम स्नान नहीं कर रहे क्योंकि लेट हो रहे हैं थोड़ा, तो वो भी निकलते हैं आगे। फिलहाल हमने यहाँ से चढ़ाई शुरू कर दी है और थोड़ी सी देर में चढ़ते चढ़ते हमें थकान हो गई बहुत भयंकर वाली। और यहाँ पे वैसे घोड़े वगैरह सारे अवेलेबल है, ये आप देखिए ये घोड़े और वो कुर्सी जैसा कुछ होता है उससे हम नहीं जानते कि क्या कहते हैं। मेरे पास देखो एक टेंट, बैग, स्लीपिंग बैग और वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ है। तो चल रहे हैं और देखते हैं, सरवाइव करते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे। भीड़ आप देख सकते हो यहाँ पर, भीड़ भी अच्छी खासी है यहाँ पर। वैसे यहाँ है तो बहुत सर्दी, पर क्या करें कि मेरे पास वेट वगैरह बहुत ज़्यादा है और यहाँ चलते चलते होने लगी है गर्मी, तो मैंने अपना जैकेट तो उतार दिया है
और जैकेट बैग में रख दिया यहाँ रुक कर। और गाइस काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ दिक्कतें बहुत आती है, लेकिन आपको यहाँ पर सुविधा मिल सकती है, मतलब कि खच्चर वगैरह के, तो वैसे कोई दिक्कत वाली नहीं है कि आप अपना सामान भी ले जा सकते हो या भिजवा सकते हो साथ में, या फिर आप खुद भी जा सकते हो पहाड़ों में चढ़ने के लिए। भाई सर्वाइव करना पड़ रहा है और भयंकर गाइस यहाँ पे, तो अगर ज़्यादा वजन लाओगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर सभी की हालत देख सकते हो कि बड़ी रूखी सूखी सी लग रही है। और कुछ लोग तो क्या है कि घोड़े पे जा रहे हैं, तो जो घोड़े पे जाते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती इतनी, तो करते हैं सर्वाइव। मैंने अभी टेंट को कंधे पे रख लिया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, लेकिन वजन तो वजन ही रहता है। और यहाँ से आप व्यू देखिए भाई, व्यू बहुत भयंकर वाला आ रहा है। धूप निकल गई है इधर साइड में, क्योंकि पहाड़ियों में धूप थोड़ी लेट निकल लेती है, आती नहीं है, पहाड़ी बीच में आ जाती है। और यहाँ पर बहुत ही हैवी चढ़ाई है, तो हमें लगभग 1 किलोमीटर के अंदर भी 10 बार रुकना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ का व्यू जो आप देखिए पीछे का, तो ये देखिए गाइस व्यू भाई, एक नंबर व्यू। और हमें चढ़ाई देख ली है, इतनी हैवी डिफिकल्ट चढ़ाई है तो उस पर चढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस, वो चढ़ते हैं ऊपर। तो दोस्तों आगे चलते चलते मुझे दिखा है बहुत ही प्यारा नज़ारा, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हो वो भी एक ग्लेशियर पहाड़ भाई। और इस नज़ारे के लिए भाई यहाँ तक सरवाइव करते हुए आए हैं हम। और आप सभी को पता है कि हमने कितना सरवाइव किया है घर से लेके और यहाँ तक, तो काफ़ी सुकून मिल रहा है इस जगह पर आकर। और आगे चलेंगे तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनेकों तो क्या बोलते हैं कि स्टॉल्स लगी हुई हैं, जो तो ककड़ी नींबू पानी चाय वगैरह वगैरह इत्यादि की शॉप्स लगी हुई है, तो काफ़ी बढ़िया है ये चीज़। और पानी वगैरह काफ़ी, मतलब सब कुछ प्रोवाइड है आपको यहाँ पर। और आप मेरे पीछे एक व्यू देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है, ये देखिए आप है। तो आगे चल रहे हैं गाइस और आगे मिलते हैं जल्दी से। तो आगे चलते चलते हमें दिखा है एक प्यारा सा नज़ारा, जो कि आप यहाँ से देखिएगा किस पहाड़ों से पानी बहता हुआ आ रहा है केदारनाथ से, एक देखिए। और भाई काफी ब्यूटीफुल सा नज़ारा है इस जगह पर, और काफी अच्छा लग रहा है कि आप पानी देख सकते हो कहाँ से आ रहा है। इस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक ब्यूटीफुल सा झरना, जो कि काफी सुंदर है। और यहाँ पे वैसे काफी नज़ारे हैं जो सुंदर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्यारा सा सुंदर सा झरना, ये देखिए वो पहाड़ों से गिर रहा है पानी, ये देखिए। और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई यहाँ पर। और ऐसे ही बहुत सारी जगह भी है, भी आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो प्यारा सा झरना है, और यहाँ से देखिए छोटा ही है बट देखिए आप पानी की स्पीड, और वो पहाड़ों से पानी आ रहा है। तो भाई काफ़ी मज़े हैं यहाँ पे, फुल चिल है भाई, चिल। तो रास्ते में मुझे मिला एक बहुत ही प्यारा वाला वाटरफॉल, और यहाँ से देखो पहाड़ों से आ रहा है पानी और यहाँ से होते हुए जा रहा है वो। और यहाँ का मौसम वैसे में वास्तव में काफ़ी अच्छा है और ठंडा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। फाइनल चढ़ाई चढ़ना बहुत ही मुश्किल टास्क है, और जैसे कि अभी आप मेरे साथ में इतना सारा लगेज देख सकते हो, ये मेरे पास बैग वगैरह इतना है, तो इतना सारा वेट लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर जो कोई भी आए तो कम वेट लेकर आए, क्योंकि मुझे टेंट और मैट और वैसे ज़रूरी सामान लेके आया हूँ मैं, लेकिन फिर भी कम से कम वेट लेके आए जो भी आए। तो आप बताइए कितना मुश्किल है। मुश्किल है भाई, सामान वामान कम लेके आइएगा, जो आइएगा जितना बैग हल्का रखिएगा उतना अच्छा रहेगा। आगे जो चढ़ाई थी वो थोड़ी सी नॉर्मल थी, अब जो है वो आप देख सकते हो कि यूँ अब यहाँ से ऊपर, मतलब कि डायरेक्टली बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो चलते हैं आगे, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कितनी ऊँची चढ़ाई है
वो आप देखिएगा। ये आप देखिए कि इससे भी आगे की साइड से आया हूँ मैं, और यहाँ पर चढ़ाई करना काफ़ी डिफिकल्ट है, वो भी इतने सारे वेट के साथ। आप देख सकते हो मेरे पास कितना वेट है। यहाँ पर आके हमें लगने लगी है सर्दी, और तो हमने तो जैकेट पहन लिया है। भैया जी को सर्दी नहीं लग रही है, बहुत मस्ट पावरफुल मैन है, बाकी सारे लोगों ने तो जैकेट पहनी है। और भाई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और पीछे का यहाँ का मौसम देखिए कितना भयंकर वाला। हेलो, कलकत्ता से। यहाँ पर बारिश होने लग गई है जोर से, तो मैंने बैग को कवर किया और अपना रेन कवर पहना और जैकेट भी पहनी, क्योंकि सर्दी भी लग रही है, बारिश भी आ रही है, तो साथ के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैंने अभी ये पॉलीथीन को बैग के कवर के लिए लगाई है, और ये आप देख सकते हो मौसम देखो अब कितना भयंकर वाला कोहरा जम जाता है, और काफ़ी भयंकर वाला मौसम ख़राब है यहाँ पर। आखिरकार बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ से आप देखिए बारिश आ रही है, और ये जहाँ यहाँ से आए हम नीचे से, तो हमने लगभग 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा की चढ़ाई, मतलब 10 किलोमीटर नहीं 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है। थोड़ी देर बारिश होने के बाद में मौसम खुल गया है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो मतलब कि धूप निकल चुकी है, तो अब ठीक है रेनकोट मैंने निकाल दिया, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी रेनकोट में चलने से, और एक्चुअली हवा चल रही थी जोरों से, फिर बारिश आ रही थी अलग से, हाथ दर्द होने लग गए थे इतनी स्पीड, इतनी ठंडा था। ग्लेशियर पहाड़ भाई एकदम, तो हम इसके नज़दीक चल रहे हैं, और बहुत जल्द इसके पास चलते हैं। यहाँ से देखिए एक नज़ारा आप, ये देखिए ये जो सारी है, ये है बर्फ़ का पहाड़, और क्या ग्लेशियर दिख रहा है। आई होप कि मैं भी बढ़िया दिख रहा हूँगा इसमें, और मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे, बस ट्रैक करने में थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मजा आ रहा है भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और गाइस ये देखिए अभी हम खड़े हैं बर्फ में, और ये रियल बर्फ है, आप मेरे नीचे देख सकते हो, और ये वहाँ तक में सीधी वहाँ से ग्लेशियर से आ रही है बर्फ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जगह पर, और काफ़ी खुशी मिलती है कि इतना सर्वाइव करने के बाद में और यहाँ पर हम पहुँचे हैं भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आई होप, आई सजेस्ट फॉर यू कि गाइस एक बार उत्तराखंड जरूर आइएगा अपनी लाइफ के अंदर, तो है ना भैया जी, कैसे मज़ा आ रहा है भैया जी। काफ़ी थक से गए हैं हम, और ये भी यहाँ पे हमने सामान रखा हमारा, और कमर में बहुत भयंकर वाला यहाँ पर दर्द होने लग गया है, और आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से पक्का रास्ता मिलेगा, और यहाँ से एक शॉर्टकट मतलब कि कच्चा रास्ता भी मिल जाएगा, लेकिन ये आप देखिए शॉर्टकट कच्चा रास्ता, लेकिन इस रास्ते में एक्चुअली ये है कि स्लिप वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ जाता है, लेकिन ये शॉर्टकट है जल्दी से पहुँच जाते, लेकिन देख लो कितना डिफ़िकल्ट है शॉर्ट रास्ता भी यहाँ से, और वहाँ देखिए आप वो देखिए, तो मतलब थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है ही है, शॉर्ट कट लो या फिर लॉन्ग कट लो, आपको यहाँ पर रहने सहने के लिए भी सुविधा मिल जाएगी, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये सारे टेंट लगे हुए हैं, और यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, तो इतने सारे टेंट, तो ये सारे रेंट पर मिल जाते। क्या रेंट होगा इनका? इनका रहता है पर पर्सन 500 गवर्नमेंट रेट। सो लेट्स हिम गाइस, पूरे 9 घंटे की चढ़ाई के बाद में, और ये सारा इतना सारा वेट उठाने के बाद में हम पहुंच चुके हैं केदार मंदिर के पास में, और वहां दिख रहा है हमारा महादेव का मंदिर, ये देखिए ये रहा। तो गाइस मात्र 10 मिनट के अंदर हम जाने वाले हैं वहां, और भाई खुशी मिल रही है एक चीज़ की कि 9 घंटे के बाद और 15 दिन से चल रहे हैं हम इस चीज़ के लिए, और इतना सर्वाइव करने के बाद इतनी खुशी मिली है, इतना सुकून मिला है यहाँ पर आने के लिए, कितना वक्त मैंने सोचा था, कितना कुछ किया था मैंने, और आज सुकून मिला है यहाँ पर आके। यह हमारा आकाश भाई और आदित्य। तो गाइस हम खड़े हैं हेलीपैड के सामने, और ये हमारा हेलीकॉप्टर आ गया है।
यार जाने जाने का 1500 रुपये है। हेलीकॉप्टर को देख लीजिए गाइस, तो गाइस हम खड़े हैं हेलीपैड के सामने, वो भी केदार नाथ में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है, और यहाँ पर धरती के लिए भी बहुत ज्यादा आप देख सकते हो। और भाई दोस्तों घोर तपस्या के बाद 15 दिन के बाद 9 घंटे के बाद मतलब कि 10 घंटे के बाद हमें हमारी मंजिल मिल चुकी है और हमारे प्रभु मिल चुके हैं है। और वो रहा भाई लाइन हमारा मंदिर देखिए गाइस। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के पास में, और बहुत करीब कितने वक्त से इंतजार कर रहे थे हम इस चीज़ का, और फाइनली ये देखिए आप भाई, खुशी मिल रही है, खुशी एकदम। कितने दिन लगे हमें, लगभग पूरे 15 दिन लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। गाइस ये देख लीजिए आप, ये वही मंदिर है जिनके लिए लोग तरसते हैं यहाँ तक आने के लिए, और किंग तो गाइस दर्शन वगैरह हो गए हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पर आप पब्लिक सिटी देख लिए, देख लीजिए, और ये रहा मंदिर भाई, वो सपनों की दुनिया क्या जिसे मैं सिर्फ वीडियोस में देखा करता था, आज मैं उसके सामने हूँ, ये देखिए आप। गुड, 15 दिन लगे गाइस, 15 दिन, और इतना वक्त सोचने का।